तो गाइस, इट्स फैब किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पुलाव। ये पुलाव की रेसिपी आपने कई बार ट्राई की होगी कई तरीक़ों से, पर ये रेसिपी को आप मेरे तरीके से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए कितना खिला हुआ खिला पुलाव बना है, एकदम बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ है। और ये बहुत कम ही इंग्रेडिएंट में बहुत हेल्दी टाइप से बनाए हैं। छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, कोई भी घर में पार्टी हो तो आप इसे बना सकते हो। मेहमानों को बहुत ही पसंद आने वाला ये पुलाव है। तो चलिए हम बनाते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरा वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो चलिए बनाते हैं आज पुलाव। तो यहाँ हम लिए हैं बासमती राइस। वैसे आप घर के भी राइस को यूज कर सकते हैं, पर लंबा दाना का बासमती राइस से ही बहुत अच्छा बनता है, जिसको हम दो पानी से वॉश कर लिए थे और 20 मिनट के लिए सोक करने दिए थे। यहाँ पे हम 2 चम्मच दिए हैं रिफाइंड ऑयल और 2 बड़े चम्मच देसी घी दिए हैं। और काजू को हम थोड़ा सा यहाँ पर सेलो फ्राई कर लेते हैं। काजू को मीडियम फ्लेम पे ही कीजिएगा जल्दी से, वरना जल जाएगा, ये तुरंत में ही फ्राई हो जाता है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ में हम थोड़ा किशमिश को फ्राई किए हैं। तो ये देखिए कितना खिला हुआ एकदम किशमिश गोल एकदम हो गया अच्छे से फूल के। तो इसको जल्दी ही निकाल लीजिएगा वरना ये तुरंत ही जल जाता है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं, ज़्यादा देर में ये तुरंत में जल जाएगा। और ये जो बचा हुआ ऑयल है इसी में हम यूज करेंगे। 4-5 तेज पत्ता डाले हैं, 4 इलायची, 5-6 दाना लौंग और 2-4 स्टिक डाले हैं दालचीनी का। और इसके इसको थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लेंगे। और तुरंत में चावल जो सोक करने दिए थे उसका पानी स्ट्रेन करके इसको भी फ्राई कर लेते हैं। चावल को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट के लिए चावल को फ्राई करेंगे। जब चावल एकदम पानी सोख लेगा, बिल्कुल भी वो ड्राई हो जाएगा, तो इससे चावल बहुत खिला खिला सा बनेगा पुलाव इससे। तो बस यहाँ पे चावल मेरा फ्राई हो गया है। देखिए इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। तो यहाँ हम लिए हम जितना चावल लिए उसका डबल पानी लेंगे। हम 2 गिलास चावल लिए थे तो 4 गिलास पानी लेंगे। और इसमें तो इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच हल्दी, हल्दी से अच्छा कलर आएगा, 1 चम्मच चीनी और स्वाद अनुसार नमक। तो इसको अब अच्छे से चला लेते हैं। जब पानी में उबाल आ जाएगा, देखिए पानी में उबाल आ गया, तो हम चावल फ्राई किया हुआ को डाल लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ में आप हल्के हाथ से इसको चला लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ फ्लेम को एकदम मीडियम रखिएगा, एकदम लो ही रखिएगा फ्लेम को। और बस इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देना है। तो यहाँ 5 मिनट हो गया है, तो हम इसको उघार के काजू और किशमिश ऐड कर लेते हैं। अच्छे से फैला लीजिएगा चारों साइड से। और बस इसको ढक के 15 मिनट के लिए रख लेते हैं। और फिर मेरा देखिए ये बन के कितना खिला खिला सा पुलाव बन के तैयार हो गया है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप एक बार घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इसमें टोटल टाइम लगा है 20 मिनट्स में बन गया है।